हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल सो दिस इज़ द पार्ट टू ऑफ द आर्ट दैट इज़ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ वीडियो पार्ट वन में हमने जो है बेसिक प्रिंसिपल क्या है हिस्ट्री डेफिनेशन क्या है और आईवीएफ को स्टार्ट कर लिया था आज हम आईवीएफ को पार्टिकुलर डिटेल में जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ आई कि कैसे जो है प्रिपरेशन जो है वो की जाती है सो so, द सक्सेस रेट ऑफ आई वी एफ डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स बहुत सारे फैक्टर्स कंबाइन होते हैं लाइक like पेरेंट्स की एज कितनी है मेडिकल इश्यूज उनके साथ कोई है कि नहीं है क्लिनिकल ट्रीटमेंट उनको किस तरीके का प्रोवाइड होगा तो so, इन सभी बेसिस पे जो है वो आई वी एफ का जो सक्सेस रेट है वो डिपेंड रहता है नेक्स्ट पार्ट इज़ अब इसमें जो है फर्स्ट स्टेप जो रहता है दैट इज़ द ओवेरियन रिसोर्स टेस्टिंग ओवेरियन रिसोर्स टेस्टिंग बेसिकली क्या है टू डिटरमाइन दिस द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ द एग्स बेसिकली क्वांटिटी एंड द क्वालिटी बोथ ऑफ द एग्स क्योंकि कितने अमाउंट में है एज वी नो की एज जैसे बढ़ती जाती है एग्स जो है वो कम बनने लग जाते हैं डॉक्टर माइड टेस्ट द कंसनट्रेशन ऑफ एफ एस एस दैट इज़ पोलिकल स्टिमुलेटिंग हारमोन जो है उसकी कंसन्ट्रेशन भी वो चेक कर सकते हैं सो दैट इज़ द प्रोसिजर नेक्स्ट इज अनदर हारमोन एस्ट्राडियोल दैट इज़ अ स्टोडन ए एम एस दैट इज़ एंटी मोलेरियन हारमोन इन द ब्लड ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ मेन्स्ट्रल साइकिल वो हॉर्मोनल लेवल भी जो है वो डॉक्टर चेक कर सकते हैं अब क्या होता है बेसिकली टेस्ट रिजल्ट ओफन यूज टूगैदर विद एन अल्ट्रासाउंड ऑफ ओवेरीज टू प्रडिक्टाओवेरीज विल रिस्पॉन्ड इन द फर्टिलिटी मेडिकेशन तो बेसिकली क्या होता है टेस्ट रिजल्ट जो आए हैं हॉर्मोनल लेवल्स जो आए हैं उनको प्लस जो ओवरीज के अल्ट्रासाउंड है उनको जो है देख के ये बताया ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि भाई ओवरीज जो है वो फर्टिलिटी बेस्ड जो मेडिकेशन उन्हें दी जाएंगे ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑफ आई वी एफ वो कितना उन पर रिस्पोंड जो है वो कर पाती है कितना उनके ऊपर हारमोन्स का इफेक्ट जो है वो एट प्रजेंट है ठीक है नेक्स्ट हमारा आता है हमने ओवेरियन एनालिसिस कर लिया अब हम सीमन का एनालिसिस करेंगे दैट इज़ डॉक्टर विल कंडक्ट आर सीमन एनालिस शॉर्टली बिफोर द स्ट्रेंट ऑफ एन आई वी एफ ट्रीटमेंट साइकिल आई वी एफ साइकिल के थोड़े इंस्टेंट पहले ही जो है वो सीमन का भी एनालिसिस जो है वो करते हैं अब इसमें क्या है प्रैक्टिस दैट इज मोक एम्ब्रियो ट्रांसफर जैसे हम मोक टेस्ट देते हैं एग्जाम में वैसे ही यहाँ पर क्या है एक मोक एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है डॉक्टर माइट कंडक्ट अ मोक एम्ब्रियो ट्रांसफर टू डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ द यूट्रीन कैपिटी की कितनी डेप्थ उसकी है कितनी अच्छे से जो है वो एम्ब्रियो को होल्ड कर पा रही है सो दीज टेक्निक्स हेल्प टू प्लेस द एम्ब्रियो इन टू द यूटरस सक्सेसफुली और इससे क्या होता है एक प्रैक्टिस हो जाती है और फिर जो है एम्ब्रियो जो है यूटरस में सक्सेसफुली जो है वो प्लेस ऑन हो जाता है नेक्स्ट हमारा आता है यूट्रीन एग्ज़ामिनेशन यूट्रीन एग्जामिन दैट इज़ डॉक्टर विल एग्जामिन द इनसाइड लाइनिंग ऑफ द यूटरस बिफोर टू स्टार्ट द आई वी एफ क्योंकि वो चेक करना होता है बिकॉज जैसे कि हमें पता है यूट्रस जो है वो मेन पार्ट होता है एम्ब्रियो को होल्ड करने के लिए तो उसकी लाइनिंग को चेक करना ज़रूरी है अब इसमें इन्वॉल्व्स अ सोनो हिस्टेरोग्राफी इन विच फ्लूड इज इंजेक्टेड थ्रू द सेंटर इंटू द यूटरस सर्विक्स इंटू द यूटरस जो है उसमें फ्लूड जो है वो इंजेक्ट किया जाता है एंड अल्ट्रासाउंड जो है वो करवाई जाती है टू क्रिएट द इमेजेस ऑफ़ द यूट्रिन कैविटी कि ये पता चल सके कि यूट्रिन कैविटी दिख कैसी रही है ओके देन हिस्टेरोस्कोपी इन द यूटरस अब यूट्रस की क्या है एक हिस्टेरोस्कोपी भी करवाई जाती है टू एग्जाम इन द इनसाइड ऑफ द यूट्रस की अंदर की लाइनिंग के अलावा जो है वो स्ट्रक्चर कैसी है हाउ डीप इट इज ओके सो इन दिस केस अ फ्लेक्सिबल लाइटेड टेलीस्कोप इज इंसर्टेड टू द वेजाइना एंड सर्विक्स एंड टू द वुमेंस यूटरस तो वहाँ पर क्या है एक फ्लैक्सिबल तरीके का एक विद एडजस्टेड विद द लाइट टेलीस्कोप जो है वो इंसर्ट करवाया जाता है वेजाइना में और सर्विक्स में जिससे कि जो है वुमन की यूटरस की जो इमेज जो है वो काफ़ी क्लियर जो है वो दिख पाई देन द नंबर ऑफ एम्बर ट्रांसफर इज़ टिपिकली बेस्ड ऑन एज एंड द नंबर ऑफ एग्जरे तो एज के अकॉर्डिंग और कितने एग्स का रिट्रीवल जो है वो किया गया है उसके अकॉर्डिंग जो है एग्ज़ो है उन्हें ट्रांसफ़र किया जाता है दैन सो द रेट ऑफ इम्प्लानशन इज़ लोअर अगेन हमें पता है कि भाई ओल्डर वुमेंस के लिए जो है वो इम्प्लान्टशन जो है वो रेट कम होगी क्यों क्योंकि वहाँ एज ज़्यादा है प्लस एग्ज़ का रिट्रेबल नंबर जो है वो भी वहाँ जो है वो कम देखने को मिलता है दैन मोस्ट डॉक्टर्स फॉलो स्पेसिफिक गाइडलाइंस टू प्रिवेंट अ हायर ऑर्डर ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी ओके वो क्या होते हैं एक पर्टिकुलर गाइडलाइंस जो है उनको फॉलो करते हैं क्योंकि हमें पता है आई के अंदर जो होते हैं वो मल्टीपल प्रेगनेंसी के केसेज जो हैं वो काफ़ी देखने को मिलते हैं जैसे कि ट्रिपलेट्स है और मैनी मोर सो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज कैन बी फ्रोजन फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए उन्हें यूज़ किया जा सकता है तो ऐसी एक गाइडलाइनिक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है वो चलते हैं इफ़ मोर देन वन एम्ब्रियो इज़ ट्रांसफर टू दूटल्टेगनेसी हाँ ऐसा हो सकता है कि एक से ज्यादा हो गया तो मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो सकती हैं जो क्या कोर्स कर सकती है और बेबीज के लिए, भी और बेबी के लिए जो है, वो हो सकता है कहीं एक नॉर्मल बेबी है अ सिंगल बेबी ओके तो उसका जो डेवलपमेंट होगा उसकी हेल्थ जो होगी वो नॉर्मल होगी इन कंपेरिजन टू द ट्रिपलेट्स जहाँ पर जो है रिस्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा होंगे अब हमारा आ जाता है आई का प्रोसीजर स्टेप वन दैट इज़ हमें स्टार्टिंग स्टार्ट करना है ट्रीटमेंट ओवेरियन स्टिमुलेशन ओवरी को स्टिमुलेट करना है देन स्टेप थर्ड इंजेक्शन हमें ट्रिगर करने हैं इंजेक्ट करने हैं बॉडी के अंदर देन जो है क्या हो जाएगा इंजेक्ट inject, इंजेक्शन in, ट्रिगर करने के बाद में एग रिट्रीवल एग को हमें कलेक्ट करना है सीमन को कलेक्ट करना है फ्रॉम द मेल एंड एग रिट्रीवल फ्रॉम द फीमेल देन उनका फर्टिलाइजेशन जो है वो लैब में करवाया जाता है और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो है वो होता है देन एम्ब्रियो को जो है वो ट्रांसफ़र करवाया जाता जाता है एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद में एक स्टेज देखने को मिलती है जैसे ल्यूटियल स्टेज का आ जाता है जो कि हम डिस्कस करेंगे एंड एट लास्ट प्रेगनेंसी डिटेक्शन टेस्ट जो है करवाया जाता है कि वेदर जो है मदर प्रेगनेंट हुई है कि नहीं हुई है आईवीएफ सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ है देन अब हमारा फर्स्ट स्टेप आ जाता है दैट इज स्टार्टिंग ऑफ द ट्रीटमेंट कि हमें ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है दैट इज द ओवेरियन स्टिमुलेशन या फिर ओवेरियन इंडक्शन इसे कहा जाता है कि ओवरेज को स्टिमुलेट करवाया जाता है फॉर एग प्रोडक्शन अब देखो सबसे पहले इसमें आता है मेडिकेशन फ़ॉर ओवेरियन स्टिमुलेशन ओवेरियन स्टिमुलेशन ऐसा तो है नहीं कि अपने आप ही हो जाएगी तो हमें क्या है कुछ मेडिकेशन का यूज़ करना पड़ता है टू स्टिमुलेट द ओवेज फीमेल पेशेंट माइट रिसीव एन इंजेक्शन कौन सा हारमोन फोलिकल स्टिमुलेटिंग हारमोन बेसिकली होता है ल्यूडनाइजिंग हारमोन होता है या फिर कॉम्बिनेशन होता है इन दोनों का दैट इज़ एफ एस एच प्लस एल इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है देखने को मिलता है ये मेडिकेशन्स क्या करती हैं ये स्टिमुलेट कर देती है मोर देन वन एग टू डेवलप एट अ टाइम एक एग से ज़्यादा बनने लग जाते हैं जिनका रिट्रेवल जो है लेटर ऑन फिर पॉसिबल हो पाता है नेक्स्ट हमारा आता है मेडिकेशन फॉर ओ साइट मेच्योरेशन ऊ साइट के मेचोरेशन के लिए भी जो है मेडिकेशन होती हैं कि वैन द फॉलिकल्स आर रेडी फॉर एग रिट्रीबल जनरली आफ्टर एट टू फोर्टीन डेज द फीमेल पार्टनर विल टेक एच सी जी दैट इज़ ह्यूमन कॉरियोनिक गुनेडोट्रोफिन हारमोन जो है उसको वो लेती हैं और अदर मेडिकेशन जिससे कि एग का जो है वो मेच्योरेशन हो चुके मेच्योर फेज़ में जो है वो आ सके नेक्स्ट जो आता है हमारा आता है थर्ड पार्ट दैट इज़ द मेडिकेशन टू प्रिवेंट द प्री मेच्योर कि वो मेच्योर होने से पहले ही ओव्यूलेशन ना हो जाए उसको यूज़ कर उसको प्रिवेंट करने के लिए जो है मेडिकेशन यूज़ की जाती है ये मेडिकेशन क्या करती है बॉडी को प्रिवेंट करती है फ्रॉम रिलीजिंग द डेवलपमेंट ऑफ एग प्री मेच्योरली कि ऐसा एग आप डेवलप ना कर पाओ जो कि प्री मेच्योरली ही रिलीज uh, हो जाए तो वो जो ध्यान रखना होता है वो इस स्टेप में रखना होता है नेक्स्ट होता है हमारा द मेडिकेशन टू प्रिपेयर द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस दट इज़ एंडोमेट्रियम को uh, उसकी यूट्रस की जो लाइनिंग है उसको प्रिपेयर करने के लिए अगर वो पतली है तो उसको थोड़ा uh, जो है वो थिक करने के लिए जो है वो मेडिकेशन सजेस्ट की जाती है दैट इज़ ऑन द डे ऑफ द एग और एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र एग्स जिस दिन रिट्रीव हुए हैं या फिर एम्ब्रियो जिस दिन ट्रांसफ़र होना है द डॉक्टर जो केयर रिकमेंड करते हैं फीमेल को पार्टनर को कि भाई आपको जो है वो प्रोजेस्टरॉन जो है वो लेना होता है सप्लीमेंट टू मेक द एंडोमेट्रियम लाइनिंग थिक कि आपको उसको थिक करना है ताकि वो क्या हो सके एम्ब्रियो को सपोर्ट कर सके एक्सेप्ट कर सके और सक्सेसफुल इम्प्लान्टशन जो है वो एम्ब्रियो का देखने को मिल सके नेक्स्ट आता है हमारा विजाइनल अल्ट्रासाउंड एंड एन इमेजिंग एग्ज़ाम ऑफ द ओवरीज कि अब ओवरीज की जो है वो अल्ट्रासाउंड होनी ज़रूरी है एक इमेजिंग एग्ज़ाम होना ज़रूरी है डन टू मोनीटर द फोलिकुलर डेवलपमेंट कि फोलिकल्स का डेवलपमेंट जो है वो कितना हो पाया है देन द ब्लड टेस्ट ब्लड टेस्ट ज़रूरी है दैट इज़ टू मोनीटर हॉमोनल लेवल ऑफ द पेशेंट्स ड्यू टू ओवेरियन स्टिमुलेशन ओवरिस को हमने स्टिमुलेट करवाया है तो जो हॉर्मोनल लेवल जो है वो कितना है ओके okay, और मेडिकेशन जैसे किस्टोन्स वगैरह जिससे कि मोनीटर हो सके क्या एंडोमेट्रियम की लाइनिंग भी और इस एज अ रिजल्ट क्या होता है कि सीरीज ऑफ ब्लड टेस्ट जो है वो करवाए जाते हैं फॉर दिस प्रोसीजर अब कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिसके कारण आईवीएफ जो होती है साइकिल उसको कैंसिल भी होना पड़ सकता है फर्स्ट इज़ इन एग एडुकेट नंबर ऑफ़ पोलिकल्स कि है ना वो पोलिकल्स ही इतने नहीं बने हैं जितने हमें चाहिए हमारी प्रोसेस के लिए या फिर प्री मेच्योर ओवलेशन हो गया जिसको प्रिवेंट करने के लिए जो है वो मेडिकेशंस भी दी जाती हैं सो दैट पार्ट हेयर नेक्स्ट इज टू मैनी फॉलिकल्स डेवलपिंग रिस्क ऑफ ओवेरियन हाइपर स्टिमूलेशन सिंड्रोम ये अगर बहुत सारे फॉलिकल्स डेवलप हो जाते हैं तो एज ए रिजल्ट क्या होगा एक सिंड्रोम होने के चांसेस रहते हैं रिस्क रहता है दैट इज ओवेरियन हाइपर स्टिमूलेशन सिंड्रोम हाइपर दैट इज ओवर स्टिमुलेशन अब हमारा आ जाता है फोर्थ स्टेप दैट इज़ द एग रिट्रीवल स्टेप तो क्या है ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड एस्पिरेशन वो बेसिकली क्या है यूजुअल एक एग रिट्रीवल मेथड है इसके थ्रू जो है एग्स को रिट्रीव करवाया जाता है रिसीव करवाया जाता है एक अल्ट्रासाउंड प्रॉप बेसिकली क्या होती है वो इंसर्ट करवाई जाती है फीमेल पार्टनर के वेजाइना में टू आइडेंटिफाई द फोलिकल्स कि फोलिकल्स को कितने डेवलप हुए हैं प्री मेच्योर हैं कि नहीं है देन क्या होता है एग्ज़ आर रिमूव फ्राम द फोलिकल थ्रू अ होलो नीडल एक होलो नीडल ली जाती है हम डाइग्राम में देखेंगे कि कैसे जो है एग्स को जो है वो निकाला जाता है मेच्योर एग्ज आर प्लेस इन न्यूट्रेटिव लिक्विड कल्चर मीडियम उन्हें एक कल्चर मीडियम में रखा जाता है लैब में और उन्हें इनक्यूबेट करवाया जाता है हेल्दी एंड मेच्योर एग्स विल बी मिक्स विद हेल्दी स्पम्प फॉर फर्टिलाइजेशन वो सेलेक्टेड हेल्दी एग्स जो होंगे जो मेच्योर होंगे उन्हें स्पम्प के साथ जो है वो मिक्स करवाया जाता है फॉर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जिससे कि एम्ब्रियो बने और उन्हें फिर मदर की बॉडी में दोबारा इंजेक्ट करवाया जा सके स्पाम रिट्रीबल प्रोसेस क्या है सीमन सैम्पल जो है वो कलेक्ट करवाया जाता है फ्रॉम द मेल पार्टनर और हेल्दी स्पम्प जो है उन्हें स्क्रीन करवाया जाता है उनकी स्क्रीनिंग होती है और देन उनको प्लेस कराया जाता है एक न्यूट्रीटिव लिक्विड मीडियम में और उन्हें इंक्यूबेट करवाया जाता है जस्ट लाइक द एग्ज नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज द टेस्टिकुलर एस्पीरेशन दैट इज हेयर द हेल्दी स्पम जो है डायरेक्टली उन्हें कलेक्ट कर लिया जाता है फ्राम द टेस्ट विद द हेल्प ऑफ द नीडल एक नीडल की हेल्प के थ्रू ही जो है वो कलेक्ट कर लिया जाता है नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है द फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन में भी वेरियस मेथड्स होते हैं जैसे सबसे पहला है कन्वेंशनल इंसेमिनेशन दैट इज इन दिस केस हेल्दी स्पम एंड द मेच्योर एग आर मिक्स्ड व्हेन इनक्यूबेटेड ओवरनाइट फॉर द फर्टिलाइजेशन उन्हें एक मिक्स किया जाता है एक पेट्री डिश में या वट एवर इट इज़ लिक्विड मीडियम में उन्हें जो है ओवरनाइट रखा जाता है असिस्टेड इंसेमिनेशन दैट इज आई सी एस आई स्पार्म इंसेमिनेशन जो है ये क्या है बेसिकली एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म है आई वी एफ का ही दैट इज़ यूज प्राइमेरिली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर केसेज ऑफ मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी मेल के पास एक्सेसिव इनफर्टिलिटी है मतलब तो उस केस में जो है आईसीएसआई मेथड को यूज़ किया जाता है आई में हम देखेंगे इसमें होता क्या है सो बेसिकली आईसीएसआई आईसीएसआई जो है वो क्या करता है आईसीएसआई सी एस आई इन्वॉल्व द इंजेक्शन ऑफ अ सिंगल स्पॉम डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू टू अ मेच्योर इंजेक्टेड डायरेक्टली है ना कोई सिलेक्शन नहीं है सीमन का कोई कुछ नहीं है दैट इज़ दैट प्रोसेस के अब जो है स्पॉम्प ऐसे हैं जिनकी मोटिलिटी नहीं है जो एग तक जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा तो फॉर दैट प्रोसेस आईसीएसआई जो है वो यूज़ में लिया जाता है आईसीएसआई के भी वेरी स्टेप्स होते हैं जैसे फर्स्ट है स्टिमुलेशन ऑफ द ओवरीज़, दैट इज़ द ओवरीज़ आर स्टिमुलेटेड विद मेडिकेशन जिससे क्या हो फॉलिकल्स जो फॉलिकल कंटेनिंग जिसमें एग है जिस फॉलिकल में उसकी जो है वो ग्रोथ जो है वो हो सके जैसा कि हमने प्रीवियस पार्ट में देखा और फर्स्ट पार्ट हमारा क्या होगा यहाँ पे स्पर्म सिलेक्शन भी होगा कि हमें स्पर्म सिलेक्शन जो है वो करना होता है अब बात आ जाती है फर्टिलाइजेशन होता कैसे है बाय आईसीएसआई तो द मोटाइल स्पर्म आर प्रिपेयर्ड एंड सिलेक्टेड फॉर इंसेमिनेशन उन्हें जो है वो इंसेमिनेशन के लिए सेलेक्ट किया जाता है इस स्टेप के दौरान क्या होता है जो सिलेक्टेड स्पर्म होता है उसे एक न्यूट्रिटिव मीडियम में रखा जाता है जिसमें कि हेलोनोरिक एसिड दैट इज़ एच प्रेजेंट होता है जो क्या है हेल्दी स्पर्म के साथ जो है वो बाइंड कर लेता है जिसमें

हेयर यू कैन सी फर्स्ट स्टेप दैट इज़ स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट दैन ओवेरियन स्टिमूलेशन जो है वो करवाया जाएगा ओके और दिस इज़ द मेच्योर एग इंजेक्शन पीपेट फॉर इंसर्टिंग द स्पम दैट इज़ द स्पम पार्ट ओके एंड दैट इज़ द होल्डिंग पिट पेट जो कि uh, जो है होल्ड करने के लिए एग को होल्ड करने के लिए जो है वो यूज़ में ली जाती है और इंजेक्शन को ट्रिगर करवाया जाता है स्टेप थ्री के अंदर दैट इज़ द प्रोसेस हेयर सो यहाँ दिस इज़ ऑल अबाउट पार्ट टू रिलेटेड टू असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज ये पार्ट अभी फिनिश नहीं हुआ है दैट इज मोर अबाउट आई सी एस आई इट्स डाइग्राम्स एंड इट्स लेटर स्टेप्स सो स्टेट फॉर द मोर वीडियोज़ दिस इज़ पार्ट टू स्टेट यून फॉर द पार्ट थ्री एंड वी विल बी कम्प्लीटिंग इट इन द पार्ट आल्सो और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल मेरे चैनल पर नाइन्टी परसेंट लोग ऐसे हैं जो कि सब्सक्राइबड नहीं है और वर्च टाइम जो है वो उन्हीं के थ्रू आ रहा है सो so, प्लीज़ मुझे मोटिवेट की करते रहिए मैं वीडियोस बनाती रहूं और प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू तो माय चैनल थैंक्स uh, फॉर वॉचिंग